आप जाएंगे बिग बॉस 14 का ऑफर हुआ तो? जब अच्छा बात ये हुई, मैं आपको बताता हूँ ना, तो जब ये गाना निकला ना, वायरल हो गया, वीडियो आई वायरल हो गई, तो मुझे हाँ एंडमो शाइन का फोन आया, एंडमॉल, हाँ एंडमो शाइन, हाँ उनका मुझे फोन आया, एक्चुअली ईमेल आई के वी हैव अ वेरी बिग शो, लाइव शो, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रियलिटी शो कमिंग अप वेरी सून, एंड वी वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट इट, अगर आप बनना चाहते हैं कंटेस्टेंट्स, वुड बी गुड टू सी बिकॉज वी लाइक योर कैरेक्टर, मतलब इट वुड बी वर्क, यू नो इट वर्क. तो आई सेड ओके, तो मेरी मैनेजमेंट ने बात की उनसे, तो उन्होंने कहा देखो बिग बॉस के बाद राइट आफ्टर वी आर डूइंग दिस स्वंबर शो विद जनाब गिल, एंड वी वुड लाइक रोज किलर टू बी अ कंटेस्टेंट इन इट. तो मेरे मेरे मेरा मैनेजर जो हंसना शुरू हो गया, कहता बाबा भाई की शादी हो चुकी है, उसे डिवोर्स करानी है तूने. उसने कहा रियली, ओह टू बैड मैन, बिकॉज़ वी लाइक हिज स्टाइल, क्योंकि वो कह रहे थे बेसिकली यू दिस टाइम, यू नो उन्होंने हिमांशी को डाला, सना को डाला, मतलब सिंगर्स वगैरह को डाला ना पंजाब से, तो उनकी टीआरपी बहुत बड़ी थी, हाँ काफी हाँ अच्छी टीआरपी थी उनकी, तो उन्होंने सोचा कि इस तरह के मोर कैरेक्टर्स चाहिए हमें, तो इस तरह की है फैन फॉलोइंग, तो म्यूजिक म्यूजिशियंस वगैरह टीआरपी बढ़ेगी, तो उन्होंने हमने इनको मना कर दिया कि नहीं होता. तो उन्होंने कहा हाउ अबाउट बिग बॉस 14, यू थिंक रोज खेला वुड बी इंटरेस्टेड इन बिग बॉस 14? हमने कहा देखो फर्स्ट ऑफ ऑल has to be paid, you know, depends on how much money you're paying, because देखो Big Boss is a big platform, but at the same time it could also be career suicide, क्योंकि हाँ हाँ क्योंकि जनता जो है ना आपको देखती है थोड़ा बहुत as an artist, लेकिन जनता आपको देखेगी in certain situations and circumstances जो नहीं देखती normally, but the way you behave can make you or break, ठीक है ना? So it's very important. तो उन्होंने कहा okay, जब we're gonna start selecting for Big Boss 14, we'll definitely connect with you and we'll see what happens. They said okay, no problem. देखते हैं क्या होता है. So a lot of people asking me to go. A lot of people saying, Roach, don't go. I don't know. देखते हैं क्या होता है. I don't know. देखते हैं क्या होता पर आपके मन में क्या है? सबसे पहले अगर पूछा जाए जाना है नहीं जाना है, क्या आता है मन में, दिमाग में? जाते हैं क्यों नहीं जाते? हम स्ट्रांग बंदा हुआ, इंतजार स्ट्रांग करेंगे, बंदा हो क्या है? हम इंतजार करेंगे, एक चैम चैम सॉन्ग आपके लिए बाहर से बनाएंगे। हाँ अब ये मैं अगर अंदर होऊंगा तो बाहर मेरे लिए कौन गाना बनाएगा? हम सब मिलके बनाएंगे आपके लिए। मतलब आई थिंक इट बी गुड टू गो, बट एट द सेम टाइम आई हैव टू यू नो पॉन्डर अपॉन हाउ इफ वे चलता है नहीं चलेगा मेरे लिए, इफ इट्स गुड फॉर मी और नॉट, बट आई मीन इट्स समथिंग डेफिनेटली दैट आई वुड कंसिडर, डेफिनेटली आई थिंक आई वुड कंसिडर. जो आपने देखा था लेकिन मुझसे शादी करोगे? I'll be honest with you, I did watch a couple of episodes, लेकिन यार देखो आप बिग बॉस से आ रहे हो, right? Big Boss was here. Then you हाँ asked मुझे हाँ शादी करोगे, which was like here. तो वो बात नहीं बनी. अगर आप यही शो 4 महीने के बाद लगाते तो शायद चल जाते, लेकिन बिकॉज यू हैव सच अ बिग कंपैरिजन कमिंग फ्रॉम हियर, एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग द शो टू बी हियर इफ नॉट हियर. हाँ उसके फौरन बाद टाइमिंग खराब थी, शो इतना बुरा नहीं था, टाइमिंग खराब. मुझे लगता है वो जो कनेक्शन बन चुका था पाहिरा सिडनास, लोगों लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे वो कॉन्सेप्ट। नहीं, और मतलब है इट जस्ट, एंड आल्सो आई थिंक बिकॉज़ इट वाज इन द बिग बॉस हाउस, तो जो भी देख रहा था दे वर थिंकिंग मोर रेमिनिसिंग मेमोरीज ऑफ बिग बॉस रादर देन द शो, फोकस नहीं हो रहा था शो. राइट, मैंने आई भी थिंक अपने रिव्यू में यही बात बोली थी कि बिग बॉस इतना हावी है ना, वही घर वैसा ही सेट, तो अब बार 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 वही चीजें याद आती है। और शो में भी बिग बॉस की बातें हो रही थी, एमएसके में भी, तो वो बिग बॉस जा ही नहीं रहा।